नमस्कार दोस्तों, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जयंती पर करेंगे 8 सरल उपाय। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको इसका तत्काल फल मिलेगा। दोस्तों, इस वर्ष 19 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। यह दिन हनुमान जी की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करे तो उसे काफी लाभ पहुंचता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए खास उपाय व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति देते हैं। इस दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का चोला चढ़ाते हैं तो उसका भी खास लाभ होता है। श्री हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा से पहले आप उन्हें सिंदूरी का लेप लगा सकते हैं। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से एवं मूर्ति का स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की जयंती के दिन किन उपायों करने से भक्त का जीवन बदल जाता है। दोस्तों, हनुमान जयंती पर इन 8 से 10 सरल उपायों को जरूर करें। दोस्तों, 5 देसी घी की रोटियों का भोग हनुमान जयंती पर लगाने से व्यक्ति को दुश्मनों से मुक्ति मिल जाती है। अगला है, कारोबार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती को सिंदूरी रंग का लंगोट हनु चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी को पहनाना चाहिए। अगली चीज, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उन्हें केसरी रंग का चोला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगला, सिर से 8 बार नारियल वार कर हनुमान जी के चरणों में रखें। हनुमान जी के जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोई भी सरल मंत्र पढ़ें और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। अगली चीज, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग डालें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। अगला है, हनुमान जी को खुश करना है तो इस दिन उनकी मूर्ति के ऊपर गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके बाद एक नारियल पर स्वास्तिक बनाएं। इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित करें। इससे अगर आपके जीवन में कोई भी बुरा समय चल रहा होगा तो वह कट जाएगा। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो हनुमान जी की जयंती पर किसी पीपल के पेड़ पर 11 पत्ते तोड़कर उस पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ा दें। हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसमें सभी मुलायम चीज़ें डलवाएं, जैसे खोपरा, बूरा, गुलकंद, बादाम कतर आदि आगे। दोस्तों, हनुमान जी की जयंती में हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का बड़ा महत्व रखा जाता है। इसलिए हनुमान जी की जयंती पर उनकी पूजा करते समय अपना तन मन पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस दिन ना तो मांस खाएं और ना ही मदिरा का सेवन करें, ना ही आज के दिन कोई धूम्रपान करें। साथ ही पूजा के दौरान मन में कोई गलत भावना भी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि हनुमान जयंती पर यदि आप इन 8 सरल उपायों को करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसका तत्काल फल मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।